नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल पेज में अभिप्सा किचन ऑफ फ्लेवर्स में फ्लेवर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हम दिन भर में भारत के भ्रमण में निकले हुए थे, तो इस हम लोग अभी तक वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की जो क्विजींस थे, जो पकवान थे, हम सब देख चुके हैं। अभी हम लोग ईस्ट इंडिया के जो पकवान से उसे हम लोग करेंगे और देखेंगे कैसे बनाते हैं। और मैं अभिप्सा हूँ, और मैं ओडिशा की हूँ। और आज आप लोगों को ओडिशा की ही दो डिश दिखाऊंगी। एक्चुअली ये तीन है, एक कॉम्बिनेशन है और एक स्वीट डिश है। तो आज की जो डिशेस बनेंगी वो है आलू चॉप या ओडिया स्टाइल में आलू बड़ा, उसके साथ घुगुनी, वो है व्हाइट पीस की करी और छेना ताड़िया। ये है कि छेना का डिश है, दूध को फाड़ के हम लोग छेना बनाएंगे, फिर उसमें उससे हम लोग अपना वो जो डिश बनाएंगे। और ये हम शुरू करने से पहले मैं आप पहले तो अमूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। और इस सबसे पहले किचन ऑफ फ्लेवर के फाउंडर हीरा जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस दिया, दिखाया कि मैं आके लाइव कर सकूँ आप लोगों को सामने और दिखा सकूँ ये मेरी डिशेस। तो चलिए आज का हम लोग बताते हैं क्या बनाएंगे। तो ये जो सारे हैं चीज़ें, ये है जो इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे दूध है, शुगर है, विनेगर और पानी का मिक्सचर है, पानी है, ग्रीन कारमम पाउडर है, एक पिंच के करीब बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर है, ये मैदा है और ये है पाउडर्ड शुगर। तो पहला जो डिश हम लोग बनाएंगे वो है छेना ताड़िया, क्योंकि इसमें हम लोग छेना को फाड़ के रखना पड़ेगा कि वो जब ठंडा होगा तो फिर हम इसे मसल के उसे फ्राई करेंगे, फिर शुगर सिरप में डालेंगे। तो फर्स्ट डिश मैं बनाती हूँ, पहले गैस ऑन करेंगे और दूध चढ़ाएंगे। हम लोग दूध को बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे। जब ये हो रहा है हम लोग साइमल्टेनियसली चलिए मैं आप लोगों को आज को जो दूसरी और तीसरी डिश है उसके भी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये है आलू चॉप के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, ये आलू है, इसमें जाएगा पीनट्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड ऑनियन, नमक, थोड़ा सा होल क्यूमिन, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये मैं कश्मीरी रेड चिली लेके रखी हूँ। अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी ले सकते हो, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली तीखा कम होता है, इसलिए मैं ये रखती हूँ। और ये है गरम मसाला, ये जो गरम मसाला है मेरा होममेड गरम मसाला है। फिर ये सबको हम लोग एक मसाला बनाएंगे, उसके बाद एक बैटर बनाएंगे जो कि बेसन का होगा। उसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे फ्लेवर के लिए, फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालेंगे। तो वो एक बैटर बनाएंगे, फिर उसका आलू को मैश करने के बाद उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, उस बैटर में डिप करके फिर हम लोग डीप फ्राई करेंगे। उसके साथ एक घुगुनी रहेगा जो कि व्हाइट पीस करी है, ये देख लीजिए, ये है व्हाइट पीस। ये जो व्हाइट पीस है ये बॉइल्ड व्हाइट पीस है, इसे हम लोग मैं पहले इसे 2-3 घंटा सोक करके रख चुकी थी, फिर इसे मैं बॉयल करके यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल के मैं बॉयल कर ली थी। तो ये डिश इसी से बनेगा। इसमें भी चाहिए चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली, तेज पत्ता चाहिए, थोड़ा सा क्यूमिन लीव्स चाहिए, नॉर्मल जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा आलू भी इसमें डलेगा। तो ये है बेसिक हमारा जो आज का इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ पे मेरा आलू मेरा यहाँ पे दूध उबल रहा है, दूध को उबलने के लिए मैं रख चुकी हूँ, ये देख लीजिए,
अभी हम लोग दूसरे गैस ऑन करके एक और पैन चढ़ाएंगे। ये लीजिए, नॉर्मली ओडिया क्विजीन में हम लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, तो मैं भी आज मस्टर्ड ऑयल से आप लोगों को बनाना दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना मस्टर्ड ऑयल के भी बना सकते हो, मतलब आप रिफाइंड फ्लोर राइस ब्रान, रिफाइंड ऑयल राइस ब्रान ऑयल और किसी भी ऑयल से इसे बना सकते हो। तो पहले हम लोग इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। हम लोग इसमें आलू का स्टफिंग बना रहे हैं तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसे गर्म होने देंगे। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम लोग डालेंगे क्यूमिन, फिर इसे हम लोग थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये हो गया। अब चाहो तो इसी स्टेज में चॉप्ड ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, लेकिन घर में बच्चे रहते हैं तो वो तीखा नहीं खाते, इसीलिए मैं ग्रीन चिली नॉर्मली अवॉइड करती हूँ, तो आप डाल सकते हो। हम लोग अभी इसमें डालेंगे छोटे छोटे कट किए हुए या चॉप किए हुए ओनियन। इसे हम लोग सॉटे करेंगे। इस बीच आप अपने दूध को भूलिएगा मत, क्योंकि एक और गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, वो उतर के उबल के अंदर आ जाएगा, गैस के ऊपर आ जाएगा, तो इसे भी हम लोग बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे। ये हो गया हमारा ओनियन। जब ओनियन हमारा थोड़ा गोल्डन हो जाए, गोल्डन कलर का हो जाए, तब इसमें हम लोग डालेंगे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये आ रहा है, ये तो हमारा दूध अभी भी नहीं उबला है और थोड़ा बाकी है। यहाँ पे मैं अमूल का फुल क्रीम मिल्क का दूध ली हूँ, ये 1 लीटर दूध है। सो इसमें हम लोग 1 लीटर दूध से बनाएंगे। ये देखिए हमारा आलू भी, सॉरी हमारा आलू का मसाला का जो ऑनियन है वो भुन गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। ये हो गया, फिर इसे भी हम लोग सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, एकदम थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि इसका जो फ्लेवरिंग है, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो थोड़ा सा जो पानी था वो अच्छे से और चटक चटक के बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो ये हमारा दूध उबल गया है। ये हमारा दूध उबल गया है। ये आज बन रहा है आलू चॉप, घुगनी और छेना ताड़िया। ये हम लोग, हमारा दूध उबल गया है पूरा अच्छे से। हम लोग अभी गैस बंद करके थोड़ा सा इसे ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, जैसे वो 1-2 मिनट का उसका ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसे एक और फ्लेम में रख लेंगे। 2-3 मिनट इसे अच्छे से ऐसे हिलाते रहेंगे। ये देख लीजिए, इस बीच इसे भी हम लोग ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम लोग जो आलू के मसाले हैं उसमें हम लोग डालेंगे पीनट्स। ये भुने हुए पीनट्स नहीं है, वो नॉर्मल पीनट्स ही हैं। फिर उसे हम लोग ऐसे मिला लेंगे।
और अच्छे से भून लेंगे। हमारा दूध ये हो गया थोड़ा सा ठंडा, एक दो मिनट का ये मिल गया ब्रेक, इसका ठंडा हो गया। इसकी जो दूध जब तक ठंडा होगा हम लोग एक बाउल लेंगे, बाउल के ऊपर रखेंगे ऐसे एक कोलेंडर, एक कपड़ा भी उसके ऊपर ऐसे बिछा लेंगे, मसलिन का क्लॉथ और किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ सब बिछा लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग छेना, द बेसिक द थिंग इज अभी इसमें हम लोग छेना को स्ट्रेन करेंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो ये छेना को ज़्यादा देर तक हमें गर्म पानी में नहीं रखेंगे, अगर वो गर्म पानी में रख लेंगे तो छेना ज़्यादा कुक हो जाता है, छेना पक जाता है बोलते हैं उड़ीसा में, तो छेना पक जाएगा तो वो ना हार्ड हो जाता है, अगर वो हार्ड हो जाएगा तो मुश्किल ये है कि फिर वो जो सॉफ्ट नहीं बनेगी, फिर उसमें वो सोप नहीं होगा शुगर सिरप, तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। सो अभी मैं हमारा दूध जो पहले से उबल चुका था हम लोग, मैं थोड़ा सा इसे हिला दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। अभी उसमें हम डालेंगे विनेगर और पानी का मिक्सचर, ये जो है इक्वल अमाउंट के विनेगर और पानी का मिक्सचर है, तो हम इतना ही डालेंगे जितने दूध फट जाए, अब उसका वे वाटर ग्रीन कलर वाटर जब क्लीन हो जाए, क्लीन होकर ऊपर आ जाए, फिर हम उसे बंद कर लेंगे और नहीं डालेंगे। तो हम लोग डालते हैं, डालेंगे और एक हाथ से मिलाते रहेंगे, ये हो गया। अभी देखिए हमारा वे वाटर एकदम क्लीन हो गया है, ये देखिए छेना पूरा अच्छे से फट गया है, वे वाटर क्लीन हो गया है, ग्रेनिट वाटर आ गया है। तो इसे हम लोग इतना बच गया है मेरा तो इसे छोड़ देंगे, ये नहीं कि पूरा ही डालना चाहिए, अगर ज़्यादा डालेंगे तो छेना खट्टा हो जाएगा, तो उतना डालेंगे जितने से हमारा दूध फट जाएगा। तो ये हो गया हमारा तैयार, इसे हम लोग अभी स्ट्रेन कर लेंगे। अनुप जी बिल्कुल सही है, ओडिया और बंगाली में तो नॉर्मली दूध की मिठाई बनती है, छेना की मिठाई बनती है, तो ये भी उसी का एक पार्ट ही है। इसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा जो है उसे ठंडा पानी, ये जो पानी है ये एकदम चिल्ड वाटर है, मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसे डालेंगे। शायद मेरा वो जो नीचे वाला बाउल है वो थोड़ा छोटा हो गया है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसे निकाल लूँगी इसमें। ये मेरा वे वाटर एकदम क्लीन वाला, इसे साइड कर लेंगे। अभी इसमें हम लोग जो फ्रिज से निकाला हुआ छेना का जो ठंडा पानी है चिल्ड वाटर है, इसे हम लोग इसे धो लेंगे। इससे दो चीज़ें होगा, एक तो छेना का कुक होना बंद हो जाएगा, दूसरा जो रहता है वो छेना में जो विनेगर का जो खटास रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये दो चीज़ों में हमें हेल्प करेगा। अभी उसे ऐसे ही थोड़ी देर हम लोग छोड़ देंगे जिससे उसका पूरा पानी निकल जाए और थोड़ा सा और ठंडा हो जाए टच करने के लायक, ऐसे हाथ से उसे थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज भी कर लेंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू चॉप, ओडिया स्टाइल में आलू चॉप, आलू बड़ा। रूपाली जी आज मैं बना रही हूँ आलू चॉप ओडिया स्टाइल में या आलू बड़ा बना रही हूँ, उसके साथ ईस्टर्न इंडिया का जो फेमस है घुगुनी वो बना रही हूँ, लेकिन वो भी ओडिया स्टाइल में, उसके साथ एक और स्वीट डिश बनेगा जिसका नाम है छेना ताड़िया। तो ये जो हमारा आलू का मसाला था ये भुन गया है, तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ लाइक नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और ये है
गरम मसाला पाउडर। ये जो गरम मसाला है पाउडर है, ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसमें मैं सिर्फ तीन ही चीज़ें डाली हुई हूँ, ग्रीन कार्डमम, सिनेमन और क्लोव, इलायची, दालचीनी और लवंग। ये तीन चीज़ों से वो जो गरम मसाला बना है। नॉर्मली ओडिया क्विजिन में वही यही गरम मसाला डालता है, क्योंकि हमें सिनेमन का फ्लेवर और ग्रीन कार्डमम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर जब ये हमारा ये स्टेज में आ जाएगा, अभी हम लोग ये है बॉयल पोटैटोस, देख लीजिए। इसे मैं पहले से उसे पील करके रख चुकी हूँ। इसे आप थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ से मैश करके इसमें डाल देंगे। ये जो आलू चॉप गुगनी, ये जो डिश है, ये एक स्ट्रीट फूड ऑफ उड़ीसा है। उड़ीसा की हर स्ट्रीट में आप किसी भी, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंटर, किसी भी जगह जाइए, आपको ये वाली चीज़ स्ट्रीट्स में मिल ही जाएंगे। लोग इसे अभी अच्छे से इसे मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, अच्छा मिक्स करके और इसे दो तीन मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट हो गया है, और थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके कुक करते रहेंगे। चलिए ये हमारा हो गया, हम इसे कुक कर लिए। अभी हम लोग इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जो वही सेम बात है, इसे थोड़ा सा हाथ में लेने का, जब हो जाए तब इसे ठंडा हो जाए तब तक इसे ठंडा कर लेंगे। मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अभी चलते हैं घुघनी का मसाला भी बना लेते हैं एक ही साथ साथ। सेम पैन चढ़ाएंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। पहले जो बोल चुकी हूँ कि मस्टर्ड ऑयल के अलावा आप किसी और ऑयल चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। जब ये गर्म हो जाए इसमें डालेंगे दो एक तेजपत्ता हाफ किए हुए, थोड़ा सा क्यूमिन डालेंगे। हमारे ओडिया कल्चर में बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ छोंक नहीं लगाई हुई हो तो हम लोग उसे अच्छे दिनों में, अच्छे काम में नहीं खाते। तो हर थोड़े से और हर चीज़ के पहले, हर करी से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोंक लगाते हैं। फिर इसमें हम लोग एक ग्रीन चिली, पहले मैं वो बैटर में नहीं डाली थी ग्रीन चिली, लेकिन वो जो दो आलू के मसाले में, क्योंकि वो बेसन के अंदर रह जाएगा तो दिखेगा नहीं किसी को, लेकिन इसमें हम लोग ग्रीन चिली चाहे तो लास्ट में निकाल भी सकते हैं, ग्रीन चिली और बेलिफ। तब ये हो गया, तो इसमें हम लोग डालेंगे चॉप्ड ऑनियन। मैं अपने YouTube चैनल का लिंक आप लोगों को शेयर कर लूँगी। इसे ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं लिंक में मेरा अपने YouTube चैनल का ख़त्म कर दे दूँगी। तो इसे भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे गोल्डन होने तक भून लेंगे थोड़ा सा। जब ये थोड़ा सा भुन जाए उसमें डालेंगे हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट,
उसे ये फटफट फटफट साउंड होगा तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे उसे कम करने के लिए। ये हो गया। चलिए इस बीच हम लोग जो छेना ताड़िया है उसके लिए शुगर सिरप बना लेंगे। एक बाउल चढ़ाएंगे उसमें गैस ऑन करके पहले हम लोग एक कप शुगर और एग्जैक्टली एक कप उसमें हम लोग पानी देंगे और उसे बॉयल होने के लिए रख लेंगे। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल चला जाए जब जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल चला जाए तो अभी इसमें हम लोग एक टमाटो डालेंगे कट करके। ये हमारा रॉ स्मेल चला गया, अब इसमें थोड़ा सा टमाटो कट करके डाल देंगे। ये हो गया। इस बीच हमारा शुगर सिरप को थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहेंगे। इस जो डिस्विडिस के लिए हमें ज़्यादा थिक वाला शुगर सिरप नहीं चाहिए, हमें एकदम पतली शुगर सिरप चाहिए ताकि उसमें जो मेरी छेना का पैटी है वो अच्छे से सोक हो सके। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें हम डालेंगे फिर से सेम सॉल्ट। याद रखिएगा जब हम लोग येलो पीस को बॉयल किए थे, ड्राई पीस को सोक करके बॉयल किए थे, उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट गया था, इसीलिए उसी हिसाब से डालिएगा। हल्दी रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़े जन के लिए बना रही हूँ, क्वांटिटी मेरा कम ही है इसीलिए मैं कम डाल रही हूँ हर चीज़ से। आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से सब डाल दीजिए, मसाला जल ना जाए इसीलिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। ये पानी दो तरह का हेल्प करेगा, मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और टमाटर भी गल जाएगा। ये हो गया। इस बीच हमारा जो शुगर सिरप है ये बॉयल हो रहा है और थोड़ा इसे मेल्ट होना है और ये बॉयल होना है। चलिए शुगर सिरप में डाल देते हैं ग्रीन कैडमम का पाउडर फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा बचा लेंगे हम लोग वो जो पैटी बनाएंगे उसके लिए। देखिए ये जो शुगर सिरप रहेगा ये ऐसे ही पतला रहेगा, ज़्यादा थिक नहीं रहेगा, ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। करी को इससे मसाला को ऐसे स्लो आंच में रख के उसे थोड़ा पकने देंगे, टमाटो को गलने देंगे। नॉर्मली जल्दी कुक करने के लिए होता तो मैं इसमें प्यूरी भी डाल सकती थी, लेकिन अगर मैं टमाटो प्यूरी डालती तो वो ऑथेंटिकनेस नहीं आता और वो फ्लेवर भी नहीं आता। टमाटो कट टमाटो का जो चॉप टमाटो का जो रहता है वो नहीं आता, इसीलिए इसमें चॉप टमाटो ही डालना चाहिए, इसमें ये नहीं चाहिए। इसमें हम लोग प्यूरी वगैरह नहीं डाल सकते। जल्दी जल्दी मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं की सिर्फ इसीलिए। ये हमारा हो गया, इसे हम लोग बंद करके साइड के लिए रख लेंगे। अभी जो है हमारा छेना के पास आते हैं। ये हो गया हमारा छेना, ड्राई भी हो चुका है ये देख लीजिए। तो एक और बार अच्छे से थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे पानी निकालने तक। ये हो गया, इसे कर लेते हैं साइड, लाते हैं एक और प्लेट। ये हो गया, आ गया हमारा वाइट प्लेट। इसमें हम लोग अभी ये छेना को निकाल देंगे। देखिए ये छेना ऐसे ही उसमें आना चाहिए, इसे अभी हाथ से हम लोग मसल मसल के विल नीड इट प्रॉपरली।
The formula is same. We'll just knead with the help of on the heel of the palm, but not like the rasgulla. For the rasgulla, we have to knead it properly up to that oiliness comes. But no, here we will knead it with hand to make it a dough. See this one? Slowly it is coming like a dough. It is forming a dough slowly. See? Now we will heat another pan to deep fry the chana patties. We'll take another small pan. Place it in gas like this. Now we will be adding Amul ghee to it. Here, Amul cow ghee. Again, आप लोग चाहो तो इसमें आप लोग normal oil भी use कर सकते हो, refined oil भी use कर सकते हो. लेकिन घी का जो flavour आता है, उसे normal ghee वो normal oil वो flavour नहीं ला सकता. So we'll add ghee to it and let it heat. Now the heating point of ghee is बहुत ज़्यादा रहता है heating point ghee का, तो इसे एकदम high में रखेंगे तो उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो जल जाएगा. तो उसे trick is उसे आप low में रखेंगे, मीडियम लो में रखेंगे तो वो घी ज़्यादा गर्म नहीं होगा और आपका जो पैटी है वो जलेगा नहीं, वो अच्छे से बन जाएगा. ये हो गया हमारा डो. इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर. नॉर्मली शुगर पाउडर है, इसमें डालेंगे ये ग्रीन कैडमम पाउडर और 1 पिंच या 1/4 टीस्पून जैसा बेकिंग पाउडर. इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छे से इसे हम लोग मिक्स करते जाएंगे. ये हो गया. देखिए हमारा एक प्यारा सा डो बन गया छेना का. दिस वन वी नीड. चलिए इसमें ये तो हो गया, इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट. इस बीच देख लेते हैं इसका क्या हाल हुआ. हमारा मसाला बन गया. टमाटोज देखिए, टमाटो पूरा गली एकदम से मतलब प्यूरी जैसा नहीं हो गया, स्टिल इसमें थोड़ा सा बाइट है. यही चाहिए था हमें उड़िया करी में, ऐसा ही थोड़ा सा बाइट चाहिए होता है. नहीं तो हम लोग को वैसे पूरा स्मूथ ग्रेवी पसंद नहीं आता, थोड़ा सा बाइट ना हो तो अच्छा नहीं लगता. अब ये स्टेज में चाहो तो ये बे लीफ और ग्रीन चिली निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका काम तो ख़त्म हो गया है. वो फ्लेवर जो देना था वो दे चुके हैं तेल में. एक और पीस कहाँ गया, यहाँ आ गया मेरा, आई जस्ट कट इट. नाउ वी विल बी एडिंग दिस बॉइल्ड, यस बॉइल्ड ड्राई पीस और ओडिया घुगनी बनेगी और उसमें आलू नहीं जाएगी तो वो नहीं होगा. हमारा घुगनी के साथ एक छोटा सा आलू का हिस्सा रहना ही चाहिए. तो ये आ गया मेरा आलू, मैं पहले से बॉईल करके रखी थी. उसे हम लोग ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट के इसमें डाल देंगे. उसे मिक्स करेंगे. अभी थोड़ा सा हम लोग फ्लेम हाई कर लेंगे क्योंकि सब अच्छे से मिक्स होके कुक होना है. चलिए हम लोग बना लेते हैं छोटे छोटे पैटीज.
के साथ छोटे छोटे पैटीज बना लेंगे। अब जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा पैटी बना सकते हो, जितना छोटा चाहो उतना बना सकते हो। नॉर्मली मुझे थोड़ा बड़ा ही पसंद है, तो मैं यहाँ पे बड़ा ही बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हो गया हमारा पैटीज। हम लोग इसे बीच बीच में इस करी को भी थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। हमारा करी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा बाकी है। इस बीच हम लोग ये पैटीज बना लेंगे हाथ से अच्छे से। हाथ से स्मूथ कर करके इसे पैटी बनाएंगे, उसमें छोटा सा। अगर हाथ से, कभी कभी मुझसे हाथ से तो बनते नहीं है, इसलिए मैं एक छोटा सा स्पून रखी हुई हूँ। मैं स्पून में से इसमें, जैसे डोनट होते हैं ना, ऐसे ये एक छेना का डोनट जैसा बनेगा। ये हो गया, और थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। ये हो गया हमारा छेना ताड़िया का, जो छेना का जो मेरा पैटीज है, ये बन गया एक। हमारा करी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। ये फिर इतना ही डालिएगा जितना आप ग्रेवी चाहिए होता है, लेकिन हम लोग इसे आलू चॉप के साथ खाएंगे, तो आलू चॉप के साथ तो हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए ही चाहिए। वो ग्रेवी अगर नहीं होगा तो हम लोग उसे डिप करके किसके साथ खाएंगे, तो आलू चॉप के साथ थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए होता है। तो ये हो गया। अब इसी स्टेज पे चाहो तो थोड़ा टेस्ट करके नमक का एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा गरम मसाला। इसे कर लेंगे मिक्स। इसे धीरे से उसे हम लोग बॉयल होने देंगे। अभी आ जाते हैं छेना पैटीज की तरफ। अगेन विल मेक लाइक दिस फ्लैट पैटी। दिस वन आल्सो डन। ये आ गया एक और पैटी। चलिए, जब एक और बनाने में टाइम लग रहा है, इस बीच हम लोग चलते हैं, वो जो तीन या चार बने हैं उसे थोड़ा हम लोग फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा ये चार बन गए हैं। थोड़ा सा हम लोग डाल के देखेंगे, घी गरम हुआ है नहीं। ये घी हमारा एकदम परफेक्टली गरम हो गया है, उसे हम लोग एकदम स्टीम में स्लो फ्लेम में रख लेंगे। ये देखिए करी भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए करी को कर लेंगे बंद, क्योंकि करी हो गया है रेडी। अभी हम लोग छेना का पैकेज इसमें अच्छे से बॉइल फ्राई करेंगे। ये लो क्या, बाकी का छेना पैटीज में इसके लिए बना लेती हूँ। जब ये हमारा एक साइड से धीरे से कुक हो गया तो हम इसे पलट लेंगे हल्की हाथ से। ये देखिए ये
ये हो गया। इस बीच अगर आप लोगों को किसी चीज में कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बताती रहूंगी आप लोगों को। ये जो छेना पैटी है हम लोग इसे लो या मीडियम लो में फ्राई करेंगे, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा अंदर और बाहर का जो वो काला हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा और सोक भी नहीं होगा। हमारा पर्पस था कि ये शुगर सिरप में जाएगा तो सोक हो जाएगा, अगर वो ऐसा रहेगा तो वो सोख भी नहीं होगा, तो उसे हम लोग चाहिए होगा। चलिए इस बीच ये हमारा जो चार है वो रेडी हो जाएगा। हम लोग करी का भी करी हो गया, अभी हम लोग आलू चॉप को इसे हम लोग फ्राई करेंगे, उसे करते हैं। तेल जो है इसे चढ़ा देंगे, मैं भी आप लोगों को चार ही फ्राई करके दिखाती हूँ, टाइम कम हो गया है। हम लोग आलू चॉप का बैटर बनाते हैं। ये आ गया बेसन, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एकदम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, एकदम थोड़ा सा एक पिंच की तरह, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। से पानी डाल के हम लोग एक थिक सा बैटर बनाएंगे। ये हो गया, ये जो बैटर का जो रहेगा ये रहेगा ऐसा टेक्सचर, इसका कंसिस्टेंसी इतना रहेगा, ज्यादा पतला नहीं जितना ज़्यादा मोटा नहीं, एक ऐसा कंसिस्टेंसी रहेगा। चलिए हम लोग अभी बनाते हैं आलू चॉप, इस पर हमारा छेना पैटीज को भी देख लेंगे और थोड़ा सा रंग आना बाकी है। चलिए ये हमारा जो पहले बनाया हुआ आलू चॉप का मिक्सचर है उसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसे ऐसे हाथ से लेके एक पैटी जैसा बना लेंगे। हमारा गैस जो था वो गर्म हो चुका है, जो ऑयल था ये हमारा एक छेना ताड़िया एकदम रेडी हो गया है, ये देख लीजिए। अभी इसे हम लोग निकाल लेंगे और डाल देंगे शुगर सिरप में। ये दूसरा भी तैयार, ये भी गया शुगर सिरप में, ये हो गया तीसरा तैयार, ये भी गया। इसे इसी शुगर सिरप में हम लोग 2 घंटा रखेंगे ताकि वो अच्छे से शुगर जो है अच्छे से सोक कर ले अंदर। इसे हाथ में थोड़ा थोड़ा इसे फोन से अंदर कर पुश कर लेंगे सुगर सिरप में। ये अभी दूसरा आलू चॉप का बनाते हैं। चलिए अभी आलू चॉप का फ्राई करेंगे। आलू चॉप का ये हो गया पैटी, उसे
बेसन के घोल में डिप करेंगे और डाल देंगे तेल में। तेल हमारा पहले से गर्म होने के लिए मैं रख चुकी थी, तो वो अभी हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा। एक और बना लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। नॉर्मली आलू बोंडा जो रहता है वो ऑब्लॉन्ग शेप का रहता है, हमारे ओडिशा में ऐसे चिपटा रहता है थोड़ा। ये हो गया एक और फाइनल, डाल देंगे इसके अंदर। चलिए अब इसे हम निकालेंगे। जो पहले का जो दूध था वो तो हो गया, बन चुका है, उसे हम लोग पलट लेंगे। ये वाला आ गया, ये भी धीरे से ये अच्छे से निकल गया। अब डालेंगे टिश्यू पेपर। निकाल लिए हम लोग। चलिए अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। एक छोटे से बाउल में पहले हम लोग दो छेना ताड़िया रखेंगे इसे। अब चाहो तो इसमें आप लोग नट्स वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन हम नट्स नहीं डालते, ऐसा ही रहता है। एक और बाउल में हम लोग डालेंगे यहाँ पे गुगुनी। साथ ही मैं पहले से ही इमली चटनी थोड़ा सा रख के रखी हूँ, अगर आप चाहो तो बिना इमली चटनी का भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा आलू चॉप। ओडिशा में जब हम लोग आलू चॉप किसी को सर्व करते हैं तो बिना ओनियन का हम सर्व ही नहीं करते, और उसके ऊपर अब अगर चाहो तो ब्लैक सॉल्ट भी छिड़क सकते हो। तो ये हमारा हो गया स्लाइस्ड ओनियन। ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा जो है नॉर्थ का हो गया था, वेस्ट का हो गया था, सेंट्रल का हो गया था, साउथ का हो गया था, अब आ गया ईस्ट का स्ट्रीट फूड, छेना ताड़िया और आलू चॉप घुघनी। सो यू कैन बीट एनीथिंग विद दिस। और फिर से अमूल को थैंक यू, फिर से ईरा जी को थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आज ये काम ये करने लाइव करने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ भी कुछ डाउट हो या कुछ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर लूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू।